अस्सलामु अलैकुम, हेलो टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हया आज बनाने लगी है जापानी स्टाइल में एग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हया ने आज 4 एग्स लिए हैं और अभी इसको मिक्स कर रही है। मिक्स करने के बाद सॉल्ट या नमक डाला इसने, ये इसने नमक डाला। फिर आफ्टर एडिंग सॉल्ट अभी ये ब्राउन शुगर डाला इसने। मिक्स इट वेल। इसके बाद मिल्क दूध डालेगी इसमें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। गुड जॉब हया। पैन में अभी हया आप ऑलिव ऑयल डाल रही हैं। ओके, ऑलिव ऑयल डालने के बाद पैन गरम होने का वेट कर रही है और चेक करो पैन गरम हुआ या नहीं। हाँ ओके, हो गया। देखते हैं अभी। मैं आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ हया को एग बनाते हुए कैसे बनाती है। वैसे तो खुद ही बुना बुनो के खा लेती है, पता भी नहीं चलता कब बनाती है कब खाती है ये। आज इसने रेक्टेंगल पैन इस्तेमाल किया है, जो शायद मैंने लास्ट वीडियो में जब मैं लंच बॉक्स बना रही थी तो आपको मैं बता रही थी कि ये रोल एग बनाने का स्पेसिफिक पैन मिलता है और ये वही पैन है। वेरी नाइस है, गुड जॉब। वाजी वाह हया, एक्सीलेंट। ये तो बड़ी शेफ निकली, पता ही नहीं था हमें। गुड जॉब हया। अच्छा इस तरफ लेके जाइए। नहीं सही है, सही हो जाएगा। कितना फ्लफी सा, कितना मजे का लग रहा है एग। ये अंडे का जो फ्लफी होने का एक राज है जो कि दूध डालना। दूध डालेंगे तो एग जो है ऑटोमेटिकली फ्लफी हो जाएगा। हाँ
ये एग रेडी हो गया और अब ये कट करेगी एग को। ये हया का एग रेडी हो गया है और ये अभी कट बोर्ड पे कट करेगी रख के। कितना थिक बना है इसका रोल्ड ऑमलेट, वो भी जापानी स्टाइल में। ये आप सबको कट करके दिखाएगी अंदर से कैसे बना है। ये देखें कितना अच्छी तरीके से रोल हुआ हुआ है। वाओ, इट्स लुकिंग डिलीशियस, यम्मी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें जापानी स्टाइल में रोल्ड एग ऑमलेट तैयार हो गया है।